हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सभी को मटर का कचौड़ी बनाना बताऊंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये फ्रेश मटर मैं इस तरीके से छील ली हूँ। ऐसे मैं उबाल लूँगी पानी में डालकर, इस तरीके से हमें उबाल लेना है। बहुत ही टेस्टी लगता है ये कचौड़ी खाने में। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मैं चेक कर ले रही हूँ, उबल गया है मटर। मैं गैस को बंद कर दूँगी। ऐसे मैं निकाल लूँगी एक बर्तन में, इस तरीके से हमें निकाल लेना है। ऐसे मैं अच्छे से मैश कर दूँगी, गर्मा गर्म ही इस तरीके से हमें मैश कर देना है। ये देखिए फ्रेंड, इस तरीके से मैं कर ली हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मसाले में ये आधी लहसुन का पेस्ट, हरा मिर्च काट ली हूँ, ये जीरा पाउडर, गोलकी पाउडर, गरम मसाला पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, ये धनिया पाउडर है। सभी को मैं हल्का गर्म कर ली हूँ। और ये हींग है, और ये बेसन, ये स्वाद अनुसार हल्दी, नमक, और इसे मैं अच्छे से हल्का मैशअप कर ली हूँ। अब मैं सभी को अच्छे से फ्राई कर लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, कढ़ाई को हमें पहले गर्म कर लेना है, फिर सरसों तेल हमें डाल लेना है। तेल गर्म हो जाएगा, ये हींग का छौंक लगा दे रही हूँ मैं। ये आधी लहसुन का पेस्ट, ये मिर्चा, हरा मिर्च, हल्दी, नमक स्वाद अनुसार। बेसन जो मैं मटर को मैश करके रखी थी उसे डाल दी हूँ। मैं इसे अच्छे से फ्राई कर लूँगी। ये मसाले, सारे भुने हुए मसाले हैं, इसे डाल दी। ऐसे भी अच्छे से मिला दूंगी। अच्छे से हमें 10 मिनट के लिए हमें इसे फ्राई कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, फ्राई हो गया है। मैं गैस को बंद कर दूंगी, ठंडा हो जाने दूंगी। इधर मैं कचौड़ी के लिए मैदे को सान रही हूँ और इसमें जमाइन डाल दी हूँ। ऐसे मिला लूँगी। स्वाद अनुसार नमक हमें डाल लेना है। इसे भी अच्छे से हमें मिला लेना है। और 2 बड़े चम्मच रिफाइंड तेल, जिससे कचौड़ी खास्ता बनेगा, डाल के हमें अच्छे से मिलाकर इसे आप गूंद लेना है। देखें, इस तरीके से हमें हल्का हल्का पानी देकर गूंदना है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मैं मैदे को अच्छे से गूंद ली हूँ। अब मैं इसे ढककर 15 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, 15 मिनट हो गया है। अब मैं इसे छोटे छोटे लोई काट के कचौड़ी बनाऊंगी। देखिए इस तरीके से हमें छोटे छोटे लोई काट लेना है। बहुत ही टेस्टी लगता है ये कचौड़ी खाने में। ठंड के मौसम में आप इसे ज़रूर बनाकर खाएं। बनाना भी बहुत आसान है। ये देखिए इस तरीके से हमें लोई काट लेना है। अब इस तरीके से हल्का बेल कर मटर मसाले को मैं इस तरीके से डाल दी हूँ। ऐसे चारों तरफ से घुमाकर बंद कर दूंगी। इस तरीके से हमें अच्छे से
से बंद कर देना है, दाब देना है हाथ में ही। बहुत ही टेस्टी लगेगा इस तरीके से बनाने पे। इस तरीके से मैं सभी को कचौड़ी को बना लूँगी। बना ली हूँ ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इसे छानूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, रिफाइंड तेल गर्म हो गया, अब मैं इसमें कचौड़ी एक एक करके डाल दूँगी। तरीके से मैं डाल दी, उसे उलट पुलट कर हमें अच्छे से पका लेना है। देखिए कचौड़ी हमारा सारा फूल गया है बहुत अच्छे से। अब मैं इसे निकाल ले रही हूँ, पक गया है तो। सभी कचौड़ियों को मैं इसी तरीके से छान लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मैं छान ली हूँ। आप लोग भी एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई करें और हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।